टाइगर टाइगर कहाँ पे भाई? ये देखिए, सुन 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 सुन, वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए, अरे भाई झुंड झुंड, अरे मेरे भाई सारे भाग गए उधर उधर उधर, पूरा 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 दोस्तों देखो तो टाइगर जा रहा है पूरा पूरा झाड़ी के पीछे, वो पीछे मत जा, आगे आगे वहाँ पे देखो, वो देखो जा रहा है दोस्तों दोस्तों, वो जा रहा है रोड के ऊपर, देखो देखो तो स्वाक पर दिख रहा होगा, मारा नहीं है पिछड़ गया शायद, कछो हो शिट जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई कार एडवेंचर कैंपिंग वीडियो में, और मेरे साथ इस बार हैं क्रिश भाई। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों मैं आया हूँ रामगढ़ के जंगलों में कैंपिंग करने, और इस वक्त मैं हूँ पवलगढ़ फॉरेस्ट रेंज में, और यहाँ पर हम कहीं कार लगा के अपने करने वाले कार कैंपिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी कार लोकेशन ढूंढते हैं, और यहाँ दबा ना साइड में थोड़ा सा चौकी का एरिया दिखा दें। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मैं पवलगढ़ कि फॉरेस्ट रेंज में हूँ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए दोस्तों ये चौकी बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये सब बोर्ड लगे हुए हैं, वन एंड वन्य प्राणी हमारी धरोहर है, अग्नि से इनकी सुरक्षा करें, अग्नि दुर्घटना होने पर सूचित करें, रामनगर वन प्रभाग रामनगर वन क्षेत्र देचोरी रेंज। तो दोस्तों ये देचोरी रेंज है पवलगढ़ की, और यहीं कहीं कार कैंपिंग करने वाले हम। तो पहले सबसे पहले लोकेशन पे चलते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले लोकेशन ढूंढेंगे, फिर करेंगे अपनी कार खड़ी वहां पर, और फिर करेंगे कार कैंपिंग स्टार्ट। इस चौकी में हमने कराई अपनी कार की एंट्री, और अंदर जंगल में जाने के लिए ये जो फाटक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फाटक लगा हुआ है, जो ये बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, इसी रास्ते पे जंगल में अंदर जाना है हमने। ये है पवलगढ़ की फॉरेस्ट रेंज, देचोरी रेंज है ये, इसी में अंदर जाएंगे, और चौकी वाले कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर आगे कार अपनी लगा के आप कैंपिंग कर सकते हो, बट थोड़ा सतर्क रहना वहाँ टाइगर है। ठीक है क्रिश भाई, तो चले इस अंदर चलते हैं अपनी लोकेशन, क्योंकि रात होने वाली है भाई, जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों ये जंगल देखिए कितना आगे आगे भयानक होता चला जाएगा, आप देखिए। तो ये नहीं बताया कि वहाँ पे हाथी है, और हाथी भी आते होंगे उधर? तो उधर हाथी नहीं आते, उधर टाइगर का खतरा है, टाइगर ज्यादा, कि हाँ वो थोड़ा सा ना हाथी वाले एरिया से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे एक भैया बता रहे थे कि कल परसों कुछ दिन पहले मतलब कि 4-5 शेर थे, वो ग्रुप था उनका, अच्छा। 2-3 गायों को उठा के ले गए यहाँ से। वो तो भाई यहाँ तो वो टाइगर अटैक रहता ही है। तो देखिए दोस्तों शाम मतलब रात होने वाली है, शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है, और ये देखिए दोस्तों अब इस रोड पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने एंट्री कर ली है अंदर फॉरेस्ट रेंज के लिए। तो जहाँ तक हमें लगेगा कि जाना है वहाँ तक जाएंगे, और फिर क्या करते हैं अपनी कार कैंपिंग की जगह थोड़ी सी देख के कार कैंपिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों लोकेशन पहले ढूंढते हैं, फिर करेंगे आपसे बातचीत। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अपनी कार कैंपिंग कर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गाड़ी, ये भी पूरा नदी का इलाका है, और ये रास्ता है एक गाड़ी आने जाने का, लेकिन ये रास्ता पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। और ये इलाका थोड़ा सा लोग बता रहे हैं कि जंगली जानवरों का इलाका है पूरा, यहाँ पे टाइगर और हाथी बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ हाथी होंगे। क्यों क्रिश भाई, हाथी लग रहे हैं क्या तुम्हें? लेकिन दिख नहीं रहा ऐसा कुछ ना, दिख रहा है तुम्हें कि हाथी जाती का? हाँ ये नदी तो है ना दोस्तों, पहले थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कार कैंपिंग कर पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो जंगली जानवर का एरिया पूरा, नेशनल पार्क का एरिया। ओ भाई ये तो है भाई, सही कह रहे हाथी की, वो कितनी पोटती है भाई, ये देखो दोस्तों, सही कह रहे भाई, ये देखिए दोस्तों, और ये भी ताजी है भाई, ये देखिए ये हाथी की लीद है, ये देखिए सारी उधर भी उधर, ये देखिए ये देखिए भाई, ये तो रास्ता ही लग रहा हाथी का, ये देखिए दोस्तों, वो भाई वो ये तो ताजी है भाई, और देखते हैं दोस्तों, और देख हाथी के पैर भी लग रहे हैं मेरे को, ये हाथी की, ये देखिए दोस्तों बारिश की वजह से, हाँ बारिश की वजह से थोड़े से वो हो गए, है तो ये एलिफेंट, ये देखिए दोस्तों सारा ही यहाँ पे टोटली
यहाँ पे जो है एलिफेंट का ही रास्ता है ये, तो यहाँ तो मुकेश भाई मेरे हिसाब से क्या कह रहे हो, यहाँ पे सेफ्टी होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे सेफ्टी होगा, मैं रात हो जाएगी, हो सकता है रात को चुपचाप आ जाए वो उतर के, दिक्कत हो जाएगी ना भाई। सही कह रहे हो यार, क्योंकि ये नदी है दोस्तों, ये पानी यहाँ से बह रहा है, और ये भी देखो वहाँ तक मैं दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा, ये सब पोटी, सारी पोटी वोटी सब पड़ी है, और वो भी हाथी की है दोस्तों, दिखाया आपको, ये देखिए कितनी पोटी पड़ी है दोस्तों, देखिए ये सब हाथी की, हाथी की पोटी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कार कैंपिंग करना उचित नहीं, क्योंकि हाथी जो है ना कार को जानवर समझेगा रात को, और वो कुचल देगा। क्रिश भाई हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देखो दोस्तों यहाँ तक, और भी देखो दूर दूर तक की सारी पोटी। सही कह रहे थे यार लोग यहाँ पे कि हाथी का इलाका है, ये देखिए दोस्तों। और उधर से टाइगर का बता रहे कि टाइगर का क्या है ना, तो दोस्तों इससे पहले रात हो जाए, तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने कार कैंपिंग की दूसरी लोकेशन पे, चलते कहीं और ढूंढते हैं लोकेशन, है ना किस भाई, यहाँ से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आखिरकार भाई लोकेशन मिली गई है, बिल्कुल तो लोकेशन मिल गई है दोस्तों, यहीं पर कार अपनी करते हैं पिच और शुरू करते हैं कार कैंपिंग। सबसे पहले अपना किचन का सेटअप करेंगे, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वार्निंग्स मिल रही हैं यहाँ पे वन विभाग वालों की तरफ से, जब बार बार हमें जो है वन विभाग वाले वार्न कर रहे हैं कि यहाँ टाइगर है, टाइगर है। तो दोस्तों जल्दी से अपना खाना बनाते हैं, आज हम कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हल्का फुल्का बना के खाएंगे, उसके बाद हम गाड़ी में सोएंगे और ओवरनाइट यहीं रुकेंगे। और तो दोस्तों जल्दी से करते हैं अपने किचन का सेटअप। चलो क्रिश भाई निकालो दिमाग। हाँ क्रिश भाई, हाँ जी भाई, मौसम तो ठंडा हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बारिश होगी ना इसलिए ठंडा, लेकिन एक बात है हाँ, ऐसी बारिश में ना जानवर बहुत निकलते हैं भाई ऐसे मौसम में, और सांप भी निकल सकता है। सांप तो छोड़ो, सांप का बाप आ गया टाइगर, अरे उससे तो फिर हाँ बहुत ही मुश्किल है। अच्छा बताओ ये जो जंगल है कैसा लगा आपको? जंगल तो बहुत अच्छा है, पर यही है अच्छा है, खतरा तो है ही, मुझे तो भयानक लगा। सुंदरता तो है इसकी और भयानक तो होती है जंगल, खैर पर यहाँ पर खतरा तो है ही ना अपना भाई, बहुत डेंस फॉरेस्ट है पूरा। लेकिन क्या है कि यार देखो, हमें कैंपिंग करने करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो, एटलीस्ट तो अब मुझे इन चीज़ों से ना खासा वो फ़र्क पड़ता नहीं है। अपना तैयारी करते हैं, इसको यहाँ रखो चॉपिंग बोर्ड को, ये पानी आ गया। क्रिश भाई जी भाई, मैं सोच रहा हूँ यार रोटी बना लेते हैं। नहीं भाई रोटी नहीं बना रहे अभी, क्योंकि रोटी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। हाँ यार भूख लग रही है, तो चाहे एक काम करते हैं फिर मैगी बनाऊँ। हाँ लेकिन वेजिटेबल वाली बनाता हूँ, उसमें वेजी वगैरह डाल के पूरी प्रॉपर मैगी। हाँ वो बना लो, हाँ वही सही रहेगी, सही है। और यहाँ तो ये भी नहीं पता कि टाइगर का क्या हाल है। हाँ कभी भी आ सकता है, टाइगर तो आते जाते रहते हैं उनका, हाँ। तो भाई घर है ये, जब मर्जी पूछ के आ जाएगा भाई, वो हमसे हाँ। थोड़ी पूछेगा कि मुझे आना हाँ। नहीं आता, एक काम तो कभी भी आ सकता है। पहले चॉपिंग बोर्ड में चॉपिंग कर लूँ, शिमला मिर्च खाते हो ना? हाँ बिल्कुल खाएंगे शिमला मिर्च। हमारे किचन का सेटअप हो गया है दोस्तों, और अब हम तैयारी कर रहे हैं मैगी बनाने की, क्योंकि ऐसा है ना कि यार डीप फॉरेस्ट है और यहाँ पे ना टाइगर बहुत है, और मुझे लगता है कि हम ज़्यादा देर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मैंने इतनी कैंपिंग करी है, मुझे इतना डर वहाँ नहीं लगा जितना यहाँ, क्योंकि टाइगर एक ऐसा जानवर है जो बिना बताया आता है, बिना बताए अटैक करता है, उसका कोई भी दीन ईमान नहीं है। लेपर्ड तो फिर भी आप पे घात लगा के काम करेगा, लेकिन जो टाइगर है वो जैसे हम 10 भी बैठे हैं तो 10 में 10ों पे आके हमला करता है। जल्दी से वेजिटेबल मैगी बनाते हैं, वेजी वाली, बिल्कुल फुल वेजी भर के बनाएंगे हम, और चटपटी करके तो मैगी बनाते हैं और खाते हैं। तो सबसे पहले मैं उसके लिए करता हूँ चॉपिंग, चॉपिंग के लिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च, ये सब मैं इकट्ठी निकाल ली मैंने, और चाकू से चाकू भी निकाल लिया है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर चॉपिंग।
एक काम करो जी भाई, जब तक चॉपिंग कर रहा हूँ ना भाई, हाँ। आप ना मुआयना कर आओ, क्योंकि ये जरूरी है मुआयना करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुआयना करके आओ, मैं जब तक चॉपिंग करके रखता हूँ और वेजिटेबल मैगी बनाते हैं। उड़े की पन्नी रख दी यहाँ पे? अच्छा ये रखा है अखबार, ठीक है इसी में लपेट देता हूँ पूरा। आप जाओ, बिल्कुल मैं देखता हूँ कुछ होना है पास पास। ठीक ठीक, अच्छे से देख के आना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही नहीं और दूर मत जाना। हाँ नहीं नहीं, उम्मीद की तो मेरे भाई छोड़ दो, उम्मीद को तो ऐसा है कि वो कभी भी आ सकता है, वो यहाँ का राजा है। बिल्कुल, वो टाइगर तो खैर अपने जंगल ऐसा है ना, आप अपने घर में नहीं बैठे, उसके घर पे बैठे हो। हाँ वो तो अपने घर में कभी भी आ सकता है भाई, उसका तो घर है ही। चलो करते हैं अपना हो गया, बस मैं चॉपिंग कर रहा हूँ और फटाफट से बनाते हैं मैगी। लगाऊं सिलेंडर वगैरह? नहीं लगा दूंगा, एक सेकंड लगेगा बस। अच्छा भाई जी, भाई बस मैगी डाल दी है। वो तो सौ पेड़ कटकने की आवाज आ गई, और नहीं तो और तो भाई कांड हो गया था दोस्तों, पहाड़ बहुत तेज थी दोस्तों, इतनी तेज साउंड आया था कि हम दोनों घबरा गए, और पीछे जाके देखा तो झाड़ी हिलती हुई जाती जैसे कि झाड़ियों से कोई जा रहा है। समझ नहीं आया वो क्या था, लेकिन टाइगर तक साउंड तो टाइगर का ही था। दोस्तों यहाँ मैगी खाते हैं जल्दी से और चलते हैं अपने कार के अंदर, नहीं तो भैया यहाँ तो बहुत खतरा है। कृष भाई जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ तो कुछ पता नहीं हो, दोबारा आ जाए आस पास। आओ बैठ, सुनो आप एक काम करो, आप टॉर्च लेके थोड़ी निगरानी करो, मैं जब तक ही मैगी बनाता हूँ, खड़े रहना, आप बैठना नहीं। आप ठीक है मेरे भाई? मैं देखता रहता हूँ चारों तरफ कुछ हो ना। हाँ गाड़ी की तरफ भी डाल, दूर नहीं जाना, यही यहीं यहाँ नहीं जा रहा, बस बैठ जाओ यहीं, बैठ के देख लो, निगाह डालना, बस चारों तरफ निगाह रखना, और अब कुल्हाड़ी हाथ में ले लो अपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बड़ा भयंकर साउंड था यार, यहाँ ऐसे मान लो कि जैसे हमारे पास ही आने वाला था। चलो मैगी तो रेडी हो गई भाई। हाँ बिल्कुल, इसे है ना जल्दी से खाते हैं। क्या हो रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है, टॉर्च चला जल्दी यार, ये कैसा साउंड है यार, ऐसा लग रहा है ना किसी ने पटका है कुछ। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे, भाई पक्का पक्का भाई, ये जो ये दोस्तों साउंड सुना है ना आपने क्रिश भाई, ये जो साउंड है ना, ये गन चलने का, ये वन विभाग वाले चलाते हैं तब जब जानवर आता है। तो बेटा मेरे को लग रहा है बेटा, तो एक काम कर फटाफट भैया इसे खाओ, इसे खाओ, एक काम कर इसे खाना भी नहीं, गाड़ी में बैठ के खाएंगे। ठीक है ये हो गई मैगी, इसे ढक लेते हैं और लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। बिल्कुल गाड़ी के अंदर खाएंगे ताकि हम वहाँ पे सेफ रह सके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो भाई चलो। नहीं नहीं गुप्ता, एक काम करो, दो तीन मिनट लगेंगे कि यहीं खा लेते हैं, और नजर रखेंगे थोड़ी ताकि कोई कुछ हो ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा ना। ठीक है, इसलिए यहीं पे खा लेंगे। बस भाई खाओ और खा के चलते हैं जल्दी से यहाँ पे कार में, क्योंकि बार बार साउंड आ रहा भाई कह रहे के, ये लो सारी खा लो आप। वो अपने करो ना, बस खाओ, मैं तो थोड़ी खाऊंगा। अच्छा लेकिन भाई चम्मच नहीं है, इसे खा लो, चक्कू से खा लोगे? नहीं इसे खा लो, मैं चक्कू से खा लूँगा, मेरे को आदत है चक्कू खाने की। देखो दोस्तों नए स्टाइल से मैं मैगी खा रहा हूँ, कभी आपने खाई नहीं, खाई है पता नहीं ये देखो गर्म है लेकिन बहुत गर्म है। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो मुँह में भी नहीं है भाई। कैंपिंग का नाम ही सर्वाइवल है, सर्वाइव कर सकते हो तो कैंपिंग पे आओ, कम सोर्सेज में आपको मैनेज करना पड़ता है। कैसी बनी मैगी ये तो बता दो। बहुत ही टेस्टी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और स्वाद भी उससे बढ़ कर रही है, बहुत अच्छी बनी है। फिर से साउंड आ गया भाई, फिर से टॉर्च कंट्रोल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फिर से साउंड आ गया भाई, देख के देख भाई, ये तो बार बार तंग कर रहा भाई। वो जर वो जर
भाई यहीं से आ रहा था साउंड, इस साइड से आ रहा था। इधर 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 आ, इधर 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 चल के देख। ओए ये क्या हो रहा है? ओए ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा झाड़ी के पीछे, ये रहा झाड़। ओ भाई ये रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा भाई। देखो देखो वो गया, वो इधर गया, इधर गया। ओ भाई ये देख गया, इधर नीचे चला गया भाई, इस साइड गया, इस साइड गया भाई। वो देख इसमें से गया भाई, इधर से, इधर से गया भाई, वो भी जस गया भाई। तो दोस्तों आपने टाइगर देखा जंगल में। ओ भाई दोस्तों जस्ट आपने देखा, यहाँ से इधर झाड़ी से वो उधर गया है, और क्रिश भाई और मैं कसम से बहुत डरे हुए। जल्दी चल भाई। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हम खाना भी नहीं खा रहे, हम जा रहे सीधे कार में बैठने और उसके बाद निकलते हैं। एक काम करते हाँ। इसके पीछे चलते, ये रोड की तरफ गया होगा। हाँ, ये रोड पे लेकिन चलेंगे गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी चलेंगे, विशाल भाई को बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हमने मैगी सारी फेंक दी, क्योंकि मैगी खाने का टाइम नहीं है। यहाँ से आपको दिखाया कि टाइगर वहाँ एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी की तरफ गया, और सीधे वो पानी जहाँ से पानी नदी आ रही है उस तरफ चला गया है। दोस्तों इससे ज्यादा इसलिए डर सकते, मैगी हमने खाई नहीं, सारी फेंक दी है, और सामान जल्दी से पैक करके गाड़ी में बैठ गए, और क्या कहते हैं निकलते हैं यहाँ से, विशाल भाई को लेते हैं। हमने फोन मार दिया, विशाल भाई हमें मिलेंगे अपने गेट पे घेर करके, और उनको लेते हैं और चलते जल्दी से जंगल की तरफ, और टाइगर को आज कैप्चर करके रहेंगे। तो चलो भाई जल्दी चलो। यहाँ पर मैंने कॉल करके विशाल भाई को बुला लिया, विशाल भाई आ गए हैं, और विशाल भाई के एक ब्रदर भी हैं, रिजवान नाम है भाई आपका, ये भी आ गए। तो हम लोग चारों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो टाइगर देखने भैया, अभी कॉल आई है कह रहे थे आप। नहीं कौन सा जंगल? जंगल भैया पाठकोट वाला जंगल है, उसी में जाता है वो, उसी में जाता है, मेनली उसी में जाता है वो। क्या नाम है उसका जो टाइगर हमें दिखाया घूमता है? टाइगर कुछ मना मना करके कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं है उसका। चलो पहले निकलते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा टाइगर है भैया। हाँ हाँ पड़ा है, मैंने उसका बहुत बड़ा मुंह है, बहुत उसका बड़ा मुंह। अरे यहाँ पे बहुत, अब चलो इस रास्ते में बताऊँ। हाँ, चलिए आप अभी चलिए जल्दी निकलते हैं। विशाल भाई भैया यही जंगल है ना, यही रोड है? यही जंगल है भैया। हाँ यही रोड है, इसी पे आएगा, इसी पे आएगा, इसी पे आएगा। अभी आगे जाते जाते बहुत घना हो जाएगा, और वो बहुत डेंजर जोन है सही में। हाथी ले लो, टाइगर ले लो। हाथी भी है? अरे हाथी, हाथी तो भैया बहुत ही खतरनाक होगा अभी। देखिए देखिए थोड़ा, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे रोको रोको रोको, एक मिनट रोको रोको, बस थोड़ा सीसे चढ़ा लेना मेरे भाई। हाँ सीसे चढ़ा लो, सीसे चढ़ा लो भैया, सीसे चढ़ाओ, सीसे चढ़ाओ, सीसे चढ़ाओ, थोड़ी कैमरा तो दिखाओ। रुक जाओ, बस थोड़ा, यहाँ से इतनी बार क्रॉस करते हुए देखा है ना, इतनी बार क्रॉस करते हुए देखा है। इस साइड भी लगा लो, इस साइड दिखाना, इस साइड साथ में रिजवान भैया भी है, रिजवान भैया उस साइड लगाओ थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, चलो आगे चलो, ये स्पॉट है एक, आगे चलते हैं, भाई आगे चलो। आप कुछ कहानी बता रहे थे इस टाइगर की। भैया ये टाइगर ना कितनी बार लोगों को दिखा है, और जैसे बाइक गाड़ी से कोई भी जाता है, मतलब कहते हैं, मतलब पुराने टाइम में कि किसी बाइक वाले ने इसके मतलब एक छोटे से बच्चे को घायल कर दिया था। अच्छा तब ये ज्यादा एग्रेसिव हो गई, बहुत ज्यादा। ओके तब से ये मतलब वैसे मॉक चार्ज नहीं बोलते, मॉक चार्ज करती है, ये मॉक चार्ज करती है, और ये आसपास ही रहती है भैया, इधर ही जंगल में घूमती है, क्या पता हमें यहाँ पे दिख जाए वो। अच्छा अच्छा विशाल भाई, इसके अलावा एक मैंने ना आज कोई मेरे को बता रहा था बंदा यहाँ पे, हाँ कि यहाँ पे पांच टाइगरों ने वो चार पांच गाय एक संग मारी भैया। हाँ वो उसने चार पांच, कैसे आ रहा है इतनी रात को यार, कौन है ये जंगल में? अरे भैया ये यहीं क्या होगा, लोकल गांव जा रहा होगा, और उसके साथ एक और दो तीन बंदे और होंगे अकेले, क्योंकि इस जंगल में आना बहुत मुश्किल है। हाँ तो मैं कह रहा था वो क्या सही कहानी है कि चार पांच गाय मार दी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहानी है भैया। अच्छा? वो चार पांच गाय मार दी उसने, और उसका मतलब प्लानिंग तो ये थी कि उसकी प्लानिंग ये थी कि मतलब उस पर अटैक करे, उनके मतलब जो मालिक था उस पर उसने अटैक करा। अच्छा? बट पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वहां से वो अम्मा आई, उन्होंने हल्ला गुल्ला करा, तब गांव वाले आ गए एकदम से, वरना वो उस पर पक्का अटैक करता, आदमी ले जाता। अगर एक बार आदमी का स्वाद लग गया टाइगर के मुंह पे, तो भैया समझो उससे बड़ा मतलब उससे ज्यादा डेंजरस कोई टाइगर नहीं है। हाँ तो वो तो मैन ईटर, मैन ईटर हो जाता है, मैन ईटर हो जाता है, एक बार जहाँ से स्वाद लगा मुंह पे बस भैया। अच्छा जी जी, तो लेपर्ड से ज्यादा खतरनाक है टाइगर, टाइगर सबसे ज्यादा खतरनाक है, और हम घूम रहे टाइगर की टेरिटरी में रात को। दोस्तों आप देख सकते हैं, टाइम दिखाना भाई, टाइम भैया अभी हो रहा है पूरे 10:11 हो रहे हैं। दोस्तों कोई फेक टाइम नहीं, आप लोग इस वक्त घर में सो रहे होंगे एसी के अंदर, और हम लोग घूम रहे हैं जंगल के अंदर, और जंगल में केवल आप लोगों को एडवेंचर फील कराने के लिए और टाइगर दिखाने के लिए। देखो हम लोग पूरी रात जाग रहे हैं, और अगर 4 बजे मिले, 5 बजे मिले, अगर जब तक टाइगर नहीं मिले तब तक घूमेंगे, ठीक है भाई? तक घूमेंगे। और भैया इनको लग रहा होगा कि हम गाड़ी के अंदर सेफ है बिल्कुल,
भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ एलिफेंट भी है भाई, एलिफेंट तो सीधा गाड़ी पलटा देगा। सही बात है भाई, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना, हम सेफ हैं। तो ये रिस्क उठा रहे हैं सिर्फ आप लोग। चौकी आ गई ना सामने। हाँ, ये चौकी आ गई, ये अब मेन जंगल में ले जाएगी, ये मेन जंगल में ले जाएगी। अब हाँ, इस चौकी क्रॉस कर लीजिए, रोकेगा तो नहीं चौकी पे? नहीं 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 रोकेगा, मैं हूं ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तभी मैंने आपको बुलाया, ये चलते रहो आप। मैंने कहा क्यों आया फोन आपका एकदम अचानक? अरे यार यार देखो, आपसे आपसे सपोर्ट चाहिए था, इसलिए तो बोल के गया था, अगर बाई चांस सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ। दोस्तों देखो, ये चौकी आ गई है और अब हम मेन जंगल में एंट्री करेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये अब हमने मेन जंगल में एंट्री कर ली है। शुरू हो गया ना जंगल? वो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। कहीं भी हो सकती है भाई, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। अच्छा, चलती गाड़ी पे भी अटैक कर देता है? गाड़ी पे भी अटैक कर देता, बिल्कुल भाई से चढ़ाना। अच्छा, वो जो रास्ता जहाँ से वो उतरा है, वो ये यहाँ रोड पे उतरा है? हाँ, यही रोड पे उतरा है, और इधर ही कहीं है। जैसे ये रपटा बना हुआ है, रपटा बना हुआ है। हाँ, ये इसमें पानी बहता है, नाला पानी इसमें तो नहीं आता भैया, आगे वाला है, आगे वाला है ज्यादा, ये तो नहीं है, तो छोटे छोटे रपटे हैं। मेरे तो बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ठिकाना है जंगल, मजाक की बात भाई। देख सकते हो ना यार, ये वीडियो देख रहा था मैं, ऐसे नाले में बैठा होता, ऐसे नाले में, यही का था बता रहा हूँ, वो जो आपने वीडियो देखा वो यही का, अभी दिखाऊंगा कौन सा वाली जगह। शीशे चढ़ा लो, शीशे चढ़ा लो भैया, शीशे चढ़ा लो यार, क्योंकि सीधे चढ़ाना ज्यादा सेफ्टी है जंगलों में, और हाथी वाती भी देखना है इधर उधर। घर रात में तो आपको कोई आता भी नहीं है भाई? नहीं, कोई नहीं आता, सुनने रहता है। वो क्या आया अभी? वो तो रिफ्लेक्टर है यार। ये है रफ्ता, ये रफ्ता है यहाँ पे। चलो चलो आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, इस साइड को नजर मार लेना थोड़ा। एलिफेंट का भी है और टाइगर का भी है। ये रफ्ता इतना खतरनाक आता है ना भैया, यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। कभी बस बह गई, कभी कोई बह गया, टूरिस्ट बह गया, कभी रामनगर में खाई में बस गिरी थी 2-3 साल पहले। खाई में यही तो है, यही है, यही रफ्ता है, यही है रफ्ता जिसमें काफी लोग मरे थे। हाँ, यही रफ्ता है। कहाँ के वो? यही, वो दिल्ली के दर्शन। तुम उधर को लो, मैं हाँ हाँ मारते रहो, थोड़ा उधर को मारना भाई। अरे मिल जाता भैया, इधर इधर की साइड मिल जाता है। पानी वानी भी पीने आते, पानी वानी भी पीने आते हैं यहाँ पे। हाँ बस बस बस, बंद करो अभी, तो थोड़ा टॉर्च बंद कर लो, टॉर्च बंद कर लो थोड़ा। बस 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 बस, चलते रहिए भाई, सीधे सीधे चलते रहिए आराम से ना। आज ओ भैया भैया, यही है, ध्यान देना बहुत ज्यादा इस साइड को भाई, उधर घना जंगल है दोनों तरफ भैया, बहुत ज्यादा घना है। क्रिश भाई, यहाँ पे टाइगर हो सकता है भाई? अरे टाइगर भाई, अभी देख रहा था वो टाइगर्स जो ने एक सफारी वाले पे मोक जो कर रही थी, मोक चार्ज जो कर रहा था भैया। हाँ, वो टाइगरस यही रहती है भाई, यही का हुआ था। अच्छा, यही का था वो? हाँ भैया, यही हुआ था वो मोक चार्ज। और भैया हाँ, एक मिनट, इसी पवलगढ़ में, इसी पवलगढ़ में जी मोक चार्ज हुआ था। मुझे ऐसा लगा कुछ गया है इधर, ध्यान देना, ये नाला फेवरेट जगह है उसकी भैया। अच्छा, झूठ नहीं बोला, नाला बहुत फेवरेट जगह है। टॉर्च मारना है जिसमें भैया, तो दूसरी तरफ उधर उनके पास ही, लेफ्ट राइट यहाँ, क्योंकि भाई पानी पीने आता ना। चलते रहिए, चलो 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 आगे चलते हैं। तो यही पे करा था अटैक है। तो फिर मतलब वो उसने अटैक कर ही दिया था? अटैक नहीं करा था भैया, एक मॉक चार्ज करा था, क्योंकि समझ गया कि झूठा, क्योंकि उस सफारी वाले ने ऐसे कभी रोकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे हमें दिखेगा ना टाइगर तो रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, तो उसने रोक दिया और आगे पीछे कर रहा है उसके। अच्छा, तो अब एकदम अचानक मॉक चार्ज, यही वो थी इधर, यही लोकेशन थी इस साइड, कुछ और चमका वैसा लगा मुझे, कुछ चमका, चलते रहिए, कुछ और चलते रहिए, चलते रहिए सीधे। बिल्कुल भाई, तो बड़ा खतरनाक सा, बहुत डेंस है फॉरेस्ट, गर्मियों की वजह से तो थोड़ा अभी आजकल सूख गया, तब भी डरावना सा है ये। हमारे सब्सक्राइबर घर में आराम से सो रहे हैं और हम रात के 11 बजे, टाइम दिखाना एक बार, 10:46 दोस्तों, 10:46 हो रहे हैं। क्रिश भाई बिल्कुल बिल्कुल, और हम उनके लिए, और हाथी वाती का भी ध्यान देना, बढ़िया कॉन्टेंट ढूंढ रहे हैं, नाइट जंगल सफारी, हाथी 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 का भी देखना है, जंगली जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो संभल के गाड़ी चलाए यार ऐसे जंगल में रात के टाइम में, तो रात को भले ही दिन में संभल के गाड़ी चलाए तो बढ़िया है। सही बात है,
भाई चल तो समर के लिए, बट अचानक से आएगा तो नहीं, इसलिए मैं कंट्रोल में चल रहा हूं। कंट्रोल में हल्के चल रहे, बहुत हल्की स्पीड में हम लोग, बहुत हल्की स्पीड में और आराम आराम से चलेंगे, और ऐसे ही होना चाहिए। हाँ यहाँ पे भी देख के रहे ना, पुलिया आया पे देख रहा हूँ, देख रहा पुलिया, पुलिया मेन इन में रहता है, पानी वानी पीते आते होंगे ना इधर। बिल्कुल इस साइड को बड़ा खतरा था भाई मेरे। कैम किसका लगा हुआ है? तो देखो एक वार्निंग भी लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, वार्निंग लिखी है कि रात इस जोन में, इस जोन में उतरना खतरे से खाली नहीं है करके ना, और रात में तो और भी नहीं है भैया, दिन के लिए है मेन। यहाँ पर एक गाड़ी नहीं दिख रही भाई, एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी नहीं दिखेगी, एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी। अच्छा चौकी वाले जाने नहीं देंगे किसी को ना, चौकी वाले जाने नहीं देंगे किसी को, और ऊपर से आने नहीं देंगे, ऊपर से आने नहीं देंगे किसी को भाई। चौकी वालों की तो ड्यूटी है इसलिए नहीं आए थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे ना। चलिए रिफ्लेक्टर भी, ये तो कुछ पेड़ वेड़ का है, बट वो बैठते हैं ऐसे ही किनारे पे बैठे, किनारे पे बैठे रहते हैं। मैंने लेपर्ड तो कई बार देखे ऐसे किनारे बैठे हुए, आराम से साइडों में नजर मारते रहना भाई, साइडों में ज्यादातर बैठते भाई, देख रहे हो साइड में भी देख रहे हैं। चलते रहिए, और बारिश अगर आ जाती है ना भैया, वो रफ्ते भी हैं जो एकदम आता है पानी उनमें, और रफ्तों में भी देख के चलना है जरा, क्योंकि पानी का बहाव। भैया देखना ये रफ्ता, देखना ध्यान देना, और इधर मार लो नजर, उस साइड को मार लो नजर, एक मिनट भैया, भाई साहब चलिए चलिए, भाई साहब कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ पे? मतलब यार ऐसा लग रहा है कि वो था ना हॉन्टेड फिल्म, बिल्कुल हॉन्टेड जैसे ही फील है बिल्कुल यहाँ पे, और हर चीज ऐसी लग रही कि हाँ ये लेपर्ड है, टाइगर, बिल्कुल आइडिया नहीं आता इस चीज में। अरे उस पीछे पेड़ नहीं देखा तो ऐसा लग रहा था हाथी लग रहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसे में आइडिया भी नहीं आता बिल्कुल। धीरे धीरे चलना बहुत आराम से भैया, क्योंकि कहीं से भी कुछ आ सकता है यहाँ पे। हाथी क्या ले लो, टाइगर क्या ले लो, चलते रहो भाई। यहाँ पे पूरा वो है खतरा उस साइड को बहुत ज्यादा। भैया ये देखो दोस्तों, देखो ये वहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हो पीछे करो, बहुत है बहुत है, टॉर्च देखो, टॉर्च देखो, टॉर्च देखो, बहुत है वो, देखिए आई चमक रही है उनकी, देखिए देखिए आई चमक रही है। और ये मेरे भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे सांबर है, सांबर सांबर डियर बड़े वाले, चलिए 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 चलिए, बहुत सारे सांबर डियर बहुत। और भाई आई देख सकते हो आप, अरे मेरे भाई वो देखो, देखो देखो वो देखो, अरे वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, अरे भाई झुंड झुंड, अरे मेरे भाई सारे भाग गए, वो भाई यहाँ पे होगा टाइगर। चलिए भैया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टाइगर से डर के भाग रहे हैं मेरे को लग रहा है, इधर ही आसपास होगा, सीसो पर चढ़ा दो, ऊपर चढ़ा दो, चलिए चलिए भैया आगे चलिए। भैया देखो पूरे पेड़ टूटे हुए हैं, और ये पूरा हाथी ने तोड़ लगा, यहीं से गुजरता है हाथी झूठनी, ये देख रहे हो? अच्छा ये देखो भैया, ये टूटे पड़े पेड़, हाँ पूरे टूटे हैं देखो, और यहीं कहीं आसपास लेपर्ड भी हो सकता है, और डेंसिटी देखो ना पेड़ों की यार भाई, ये देख रहे हो भाई साहब, भैया बारिश हुई है यहाँ पे, ज्यादा लाइटिंग है भाई, तो हो सकता है हाथी, आराम से यार। चल भाई, हाँ भैया, भैया मोड़ लो वापस, हाँ मुझे लगता नहीं कि मोड़ लेगा वो हमें ना, मोड़ लो वापस, मोड़ लो वापस, तो रोड बंद है, हाँ डेड एंड है ना, हाँ आगे वो मलबा गिर रहा है वहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ज्यादा सेफ नहीं है उधर भाई, देख सकते हो ना यार भाई साहब, आराम से आराम से, चलिए चल चलते चलते रहिए, चलते रहिए। ये ना यार यहाँ पे रुके हुए हैं अभी, अरे भयंकर क्या घुस गया वो भैया, क्या कीड़ा घुस गया, कौन सा कीड़ा है? रुको 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 रुको, काटने वाला कीड़ा है, ये मार देता हूँ पहले। क्या है विशाल भाई? भैया पक्षी अक्षी लग रहा है देखने में तो, ये किसी ने मारा है? अरे भैया क्या है ये? अरे भाई साहब कछुआ है, अरे कछुआ, ओ शिट यार, ये खा लिया है भैया, कछुआ है ये, कछुआ यार देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखिए, अरे भैया कछुआ है भाई, ये कछुआ मर गया, कछुआ है भैया, अरे भाई साहब कितना सारा खा है, किसी ने मारा मारा नहीं, पिचक गया शायद ये कछुआ, हो शिट
तो किसी गाड़ी के नीचे आके भी नहीं कुछ होता। ये भैया अरे बाप रे, तो ये कैसे खा रखा भाई वो? भैया देख रहे हो खा रखा किसी ने? चलिए भैया चलिए चलिए भाई साहब चलो। अरे भाई कैसा डेंजर हो गया। अरे देखो मैंने कहा ना कुछ पड़ा है मास्क। हाँ यार बिल्कुल आपने सही, मेरे को लगा मास्क का लो थोड़ा पड़ा है किसी जानवर ने। हाँ भाई ये एक्सपीरियंस बोलता है, सच बात है भैया बोलता है भैया का। देखो ना बिल्कुल मेरे भाई, हमको नहीं दिखा भाई, हम यहीं रहते हैं बट भैया ने तुरंत पहचान लिया भाई। ऐसा ना उसमें ब्लड दिख रहा था मुझे। अच्छा तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने कुछ चीज को खा के, जो जैसे किसी आदमी का हाथ है कुछ ऐसा, मुझे लगा कि कुछ इंसान का कुछ पंजा पड़ा है। तो मैंने इसलिए बोला, मैंने बैक करी गाड़ी, मैंने कहा ये क्या है। अच्छा खैर कोई नहीं, अभी हो सकता कुछ दिख जाए। कुछ दिख जाए अभी तो घूम ही रहे जंगल में। अच्छा तो टाइम दिखा दो एक बार, टाइम देख लो यार। 11:02 और एक घंटा और घूमेंगे फिर देखते हैं, अगर दिखता है तो ठीक है, दिखता है तो ठीक है, वरना नहीं तो आगे बैक हो जाते हैं, क्योंकि चौकी वालों ने भी वार्निंग दे रखी है हमें कि एक घंटे में वापस आ जाना। इतना रिस्क उठा रहे हैं, इतना रिस्क उठा रहे हैं भाई। भाई कितना घना जंगल है यार दोस्तों, इतना रिस्क उठा रहे हैं तो कम से कम व्यू दे देना, लाइक कर देना वीडियो को यार, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के संग भाई। भैया के यार इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ कि मिलियन तक आप लोग पहुँचाएं, और ज्यादा से ज्यादा इसको फैला दो यार इसको, क्योंकि इतना रिस्क कोई नहीं उठाता भाई। रात के देख रहे हो ना आप, 11 भाई 11:03 हो गया, आप खुद देख सकते हो यार भाई। ऐसी नाइट जंगल सफारी हर कोई नहीं करा सकता, हर कोई नहीं करा सकता बिल्कुल। चलते रहिए आगे, कुछ चलते रहिए भैया, बढ़ते रहिए, कुछ भी आ सकता कहीं से भी आ सकता। चलते रहिए, रुकिए मत बिल्कुल, धीरे धीरे चलते रहिए, बढ़ते रहिए भैया। दोस्तों देखो बारहसिंगा, ओ भाई हिरन भी है बारहसिंगा। बारहसिंगा नहीं है ये, ये स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर है। अच्छा देखो ना स्पॉट, देखिए दोस्तों बारहसिंगा कहाँ है यार, स्पॉटेड डियर बड़े बड़े इनके। नहीं नहीं हिरन है ये, पूरा हिरन बोला जाता है वो है ये, सिंग वाले नहीं है। देखो ना इनके पीछे लगे वो पूरा 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 दोस्तों, देखो आके चमक रही होंगी आपको। पेड़ पे कैसे कर रहा है, आप उठाए हैं? हाँ ये बड़ा है, देखिए दोस्तों देखिए आपको देखिए। हाँ ये डियर है भाई, डियर है, स्पॉटेड डियर है, सही कह रहे हो, पूरे पूरे झुंडे है। तो झुंड होगा पूरा, तो देखिए दोस्तों रात को 12 बजे हम आपको करीब ये स्पॉटेड डियर दिखा रहे हैं। पीछे हमने बारहसिंगा दिखाया था, ये डियर है जिनके दाग होते हैं चितकबरे से होते हैं, ये वो वाले डियर है। चलो इन्हें तंग नहीं करते, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और रात में आपको करा रहे हैं जंगल सफारी, और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, विशाल भाई यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं, और क्रिश भाई और रिजवान भाई पीछे बैठे हैं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर टाइगर का पीछा करते करते हम आए, लेकिन टाइगर आ गई। देखना ये मधुमक्खी भी घुस गई भैया, ऊपर आ गई, ये आ गई आपके ऊपर आ गई ना। ओहो इधर को मारो, ये देखो, अरे भैया 3-4 घुस गए दोस्तों, ये मधुमक्खी भी घुस गई हमारी गाड़ी में। हम जंगल में अभी उतरे हुए हैं, टॉर्च दिखाना रिजवान भाई। देखिए दोस्तों और हमारी गाड़ी खड़ी, मधुमक्खियां घुस गई हमारी गाड़ी में, शीशे खुले हुए थे तो उनको निकाल रहे हैं मधुमक्खियों को हम यहाँ से। तब तक हम आपको जंगल दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी, हम लोग खड़े हैं, और ये देखिए दोस्तों, ओहो यहाँ तो बहुत सारी मधुमक्खी है भाई, चिपक रही, निकलो निकलो, लाइटें बंद करो। आपने देखा दोस्तों हम कितनी रात को जंगल में नाइट सफारी कर रहे हैं, और ये सब केवल आपके लिए दोस्तों, केवल आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हम 4 लोग इतनी रात में सफारी करने निकले और टाइगर देखने निकले, क्योंकि उस टाइगर ने हमें 3-4 बार परेशान किया हमारी कैंपिंग के दौरान। फिर हमने विशाल भाई को बुलाया और क्या कहते हम आ गए उस टाइगर के पीछे पीछा करते हुए यहाँ तक, और हमें टाइगर तो नहीं दिखे दोस्तों, लेकिन आपने देखा कि हमें बारहसिंगा और स्पॉटेड डियर सब दिखे, और वो हमने आपको दिखाए, और आपने भी भली भांति देख लिया होगा दोस्तों। इससे ज्यादा अब हम अंदर नहीं घूम सकते जंगल में, क्योंकि हमें जो वन विभाग ने 1 घंटे का टाइम दिया था अंदर जाके, आधा घंटा जाना आधा घंटा आने के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चलते हैं वापसी अपने क्या कहते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। तो दोस्तों अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और
आपको ये लगा हो कि हाँ ये लाइक करने लायक है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो सारे दोनों सारे भाई एक संग बोलेंगे बाय बाय, टेक केयर।